तो न्यू सागर रोड पर जेडीए की कार्रवाई को लेकर बड़ी खबर है। जेडीए का प्रवर्तन दस्ता आज सड़क पर निकलेगा फ्लैग मार्च। तोड़फोड़ से पहले आज जेसीबी मशीनों के साथ फ्लैग मार्च निकालेगा। शाम 5:30 बजे मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से मार्च शुरू होगा। जेडीए की ओर से तोड़फोड़ अभियान 26 जून से शुरू होगा। संभवतः ऐसा पहली बार है जब जेडीए निकालेगा फ्लैग मार्च। इस मार्च से प्रभावितों को कार्रवाई को लेकर संदेश दिया जाएगा। खुद अपने स्तर पर ही निर्माण हटाने को लेकर संदेश दिया जाएगा। इस मार्च में जेडीए की प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, उप नियंत्रक प्रवर्तन, प्रवर्तन अधिकारी, स्थानीय पुलिस अधिकारी, प्रभावितों की समझाइश के लिए गठित जेडीए टीमों के प्रभारी और समस्त अधिकारी शामिल होंगे। चलिए अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़े हैं। अभिषेक, जेडीए जिस तरह से अभियान चला रहा है, आज इसको लेकर के एक मार्च निकाला जाएगा, पहले तो बताइएगा क्या उद्देश्य रहेगा मार्च निकालने के पीछे? देखिए शिखा, आज जो ये मार्च निकाला जाएगा, इसमें जितनी मशीनों के साथ ये पूरा लवाजमा जो है चलेगा सड़क पर। ये 6.5 किलोमीटर लंबा रास्ता है जिस पर ये चलेंगे। जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ से ये मार्च की फ्लैग मार्च शुरुआत होगी, जो आगे सांगानेर न्यू सांगानेर रोड जो रेलवे और पिजे वहां तक ये जाएगा। और इसका मकसद यही है कि जो प्रभावित हैं उनको ये संदेश दिया जाए कि वो अपने स्तर पर निर्माण हटा लें। अगर ये निर्माण नहीं हटाते हैं तो जेडीए 26 जून से इन निर्माणों को तोड़ेगा, इन पर बुलडोजर चलेगा। उधर वहां पर जो स्थानीय व्यापारी हैं वो इसका जमकर विरोध कर रहे हैं, उनके तरफ से कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। आज भी उन्होंने वाहनों की रैली भी निकाली है, अनिश्चितकाल के लिए बाजार को बंद रखा है। तो इस संभावित विरोध को देखते हुए जेडीए की ओर से ये फ्लैग मार्च किया जाएगा। और इस फ्लैग मार्च में जेडीए बाकायदा जेडीए के सभी अधिकारियों को मैसेज दिया गया है। इसमें जेडीए के प्रवर्तन शाखा के सभी उप नियंत्रक प्रवर्तन, सभी प्रवर्तन अधिकारी और जो 4 टीमों का गठन किया था उनके प्रभारी अधिकारी और जो उनके अन्य उस टीम में शामिल अधिकारी है वो इसमें शामिल रहेंगे। स्थानीय जो पुलिस थाने के SHO वो शामिल रहेंगे, DYSP शामिल रहेंगे वहाँ के। तो पूरा एक ये निकाला जाएगा फ्लैग मार्च ताकि लोगों को एक तरह से एक माहौल बनाया जाए इस बात का कि जेडीए तोड़फोड़ करेगा, जेडीए यहाँ पर कार्रवाई करेगा, तो इसलिए खुद अपने निर्माण हटा ले। ये जो पूरा मामला है, 6.5 किलोमीटर लंबी ये सड़क है जिसको 200 फीट चौड़ा किया जाना है। मौके पर अभी मुश्किल से ये 145 से 150 फीट चौड़ी है और जो ये निर्माण हटाए जाएंगे ये 50 फीट से 55 फीट तक निर्माण हटाए जाएंगे और इसमें करीब 700 के करीब निर्माण आ रहे हैं। 691 प्रभावितों को जेडीए ने नोटिस दिया है और समझाइश की जा रही है कि ये निर्माण हटा लें। आज जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल ने विभिन्न एजेंसियों की मीटिंग ली थी, उस मीटिंग के बाद ये तय किया गया कि आज ये मार्च निकाला जाएगा। आज जो बैठक हुई उसमें बिजली विभाग, जो जलदाय विभाग है, स्थानीय पुलिस है, यातायात पुलिस है, इनके अधिकारी शामिल हुए और एक कोऑर्डिनेशन के साथ इस अभियान को क्रियान्वित किया जाए उसको लेकर चर्चा की गई। जो जेडीए के इंजीनियरिंग विंग है उसको निर्देश दिया गया कि जो भी तोड़फोड़ में मलबा निकलेगा उसको तुरंत मौके से हटाया जाए ताकि ट्रैफिक मूवमेंट में भी आसानी रहे। तो इस लिहाज से एक ये बड़ी तैयारी जेडीए की ओर से की जा रही है क्योंकि परसों 26 जून से अभियान चलेगा और लोग खुद अपने निर्माण हटा लें, इसी लिहाज से ये फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। और ऐसा संभवतः जो जेडीए की जानकारी ये बता रहे हैं कि ऐसा संभवतः पहली बार है कि जब इस तरह से फ्लैग मार्च किया जाएगा पूरे साजो सामान के साथ, जेडीए के जो जेसीबी मशीन है उनके साथ इस तरह का किया जाएगा, ये संभवतः पहली बार है। जी बिल्कुल, और अभिषेक इसलिए चर्चाओं में भी है क्योंकि पहली बार इस तरह से संदेश जेडीए की ओर से दिया जा रहा है कि प्रभावित अपने अतिक्रमणों को हटाएं। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए अभिषेक, और जानकारी के लिए।